कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो. फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक. मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना. टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर. चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है. आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप. जय हिंद. नमस्कार, सभी को प्रणाम और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिलिट्री जवान पर. दोस्तों, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप सब मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं. और आज खुशी का मौका है, माहौल है, ख़ास तौर से इस बेटी के लिए. इसने प्राउड फील किया है, ये हमारे देश की जो है रक्षा कर रही है, सेवा कर रही है. ठीक है, हमारे देश के लोगों के लिए सेवा दे रही है. CISF में कार्यरत लीमा बोरगांव, जो अभी ASG यानी कि आपके जोधपुर हवाई अड्डे पर तैनात हैं CISF में. तो CISF के लिए तो प्राउड की बहुत बड़ी प्राउड फील की बात है, और साथ में हमारे देश के और पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है. दोस्तों, क्यों गर्व की बात है तो मैं बताता हूँ. दोस्तों, जो बहन आपको दिख रही है, इनकी बहन है लवलीना बोरगांव, जो कि अभी टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में बॉक्सिंग के पहुँच चुकी हैं. ठीक है, तो बहुत ही प्राउड फील की बात है. एक बहन जो है अपना फौज में जो है लोग देश की रक्षा कर रही है और देश के लिए सेवा कर रही है, और दूसरी बहन जो है टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल लाने के लिए बहुत मेहनत करके वहाँ पर पहुँची है, और उसको उससे जो है देश के सभी लोगों को बहुत उम्मीद है कि हाँ वो देश के लिए मेडल पक्का लेकर आएगी. तो पत्रकारों का जमावड़ा लगा हुआ अभी एयरपोर्ट के बाहर, और हमारी बहन का जो इंटरव्यू चल रहा है आप देख सकते हैं इस बहन ने क्या कहा है. तो 4 तारीख को जो है लवलीना बोरगांव का यार बॉक्सिंग का मैच है, तो प्लीज़ यार मैच को ज़रूर वॉच कीजिएगा और दुआएं कीजिएगा कि हमारी बहन जो हमारी वहाँ पे बॉक्सिंग खेलने वाली है, इस बहन की जो छोटी बहन यहाँ पे देश की सेवा कर रही है और दूसरी बहन जो टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल लाने वाली है, तो प्लीज़ यार आप प्रार्थना करें, दुआएँ करें अपने भगवान से, जो भी जिसका भगवान है. तो मैं आशा करता हूँ आप लोग जो है प्रे करेंगे भगवान से कि हमारे देश के लिए इसकी बहन जो मेडल लेकर आएगी. चलिए देखिए, देखते हैं क्या कह रही है. जी, लवलीना, आज बहुत खुशी की बात है, भारत का आपकी बहन ने नाम किया है. वहीं जोधपुर एयरपोर्ट पे आप खुशी का माहौल है, सुबह से आपको बधाई देते आ रहे हैं, तो क्या कुछ महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है आज के दिन की, प्राउड फील कर रही हूँ कि बहन को लेके कि इतना मतलब मेडल तक आई है आज. तो सबकी दुआ है, इसलिए इतना आगे बढ़ रही है. और दुआ कीजिए कि और आगे बढ़े. अभी नेक्स्ट जो है गेम, तो गोल्ड के लिए गोल्ड मेडल लाए, सब दुआ कीजिए, बस उतना ही. एक सामान्य परिवार से आप तीनों बहनें, और आपकी बहन ने आज भारत का नाम रोशन किया है, इसमें सबसे बड़ा श्रेय आप किसको मानती हैं? मम्मी को ही मानती हूँ, क्योंकि पापा भी तब दूर थे घर से थोड़ा सा, तो मम्मी ने ही हमें हमारे साथ मतलब पाल पोस के बड़ा किया है इतना, तो मम्मी को ही रहते हैं.